हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ प्रैक्टिस सेट लेकर के। जैसे कि अभी आप लोग टेंस टॉपिक को कवर किए हैं, पूरा टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसलिए टेंस से रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत से डाउट की स्थितियाँ बनती हैं कई बार कि सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा या किस तरह से हम अगला सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो यानी टोटल हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट बेस्ट ऑन टेंस। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट एक करेंगे जो रिलेटेड टू टेंस होगा। तो चलिए बिना देर के भी चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या कुछ ऐसा मिलता है। तो जी दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे पूरा लिख रखा है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा नहीं दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक सेंटेंस होगा और उसमें दो ऑप्शंस होंगे। तो ये नहीं कि आपको राइट वन चूज करना होगा कि कौन सा उसमें करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, यही फाइंड आउट करना है। तो बिना देर के भी हम लोग चलते हैं, देखेंगे कि कैसे है। और ऑप्शन सिर्फ आपको दो ही मिलेगा, एक राइट वाला एक रॉन्ग वाला होगा, और आपको सेलेक्ट करना है राइट वाला। तो चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शोन इन ब्रैकेट्स। तो सिंपल सी बात है कि आपको यही करना है, सेलेक्ट मतलब चुन लेना है, करेक्ट मतलब सही, फॉर्म मतलब रूप, ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया का, शोन इन ब्रैकेट जो ब्रैकेट में दिखाया गया है, यानी जो ब्रैकेट में दिखाया गया है उसमें एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, और आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, करेक्ट वाला करना है। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि क्या है कुछ है। तो हम पहला सेंटेंस यहाँ से लेते हैं। यदि पहले सेंटेंस में पढ़ा जाए तो ऑप्शन ए और बी देखिएगा और इसी से मिला के सेंटेंस को सही करना है। तो जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहला वाला है कि ही वेंट टू आगरा एस्टरडे, और दूसरा है कि इसे ऐसे भी जोड़ा गया है कि ही हैज गॉन टू आगरा एस्टरडे। तो अब आपके पास दो स्थितियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, एक तो ये है कि ही के बाद आप वेंट लगाओगे, एक स्थिति ये है कि आप ही के बाद हैज गॉन लगाओगे। अगर यहाँ देखा जाए तो दो का दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, फिलहाल यहाँ तक सही है। लेकिन जब हम पूरे सेंटेंस की बात करेंगे तो हमें ये मिलेगा एस्टरडे। तो याद रखिएगा कि एस्टरडे जो होता है वो बीते हुए समय के लिए होता है, और बीता हुआ समय ही हमारा पास्ट होता है, इतना तो आपको याद ही होगा। तो अगर ये याद है तो सीधे सीधे अगर हैज है तो हैज किस में आएगा, आप प्रेजेंट में सुने होंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही तो है जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो ये पास्ट तो हो नहीं सकता, और ये पास्ट है इसलिए अगर हम देखें तो हमारा सही ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। यानी हमारा राइट वाला ऑप्शन कौन होगा, ए सही होगा, यानी ही वेंट टू आगरा एस्टरडे। तो आपको करेक्ट करने का एक ही फॉर्मूला है कि अगर एस्टरडे लगा है तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो सीधे सीधे ये पास्ट, और पास्ट क्यों है, क्योंकि वी टू है, यानी वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले सेंटेंस में बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से वर्ब को हम पकड़ सकते हैं और किस तरह से वर्ब को हम सही कर सकते हैं। आप चलिए देखते हैं दूसरा वाला लेते हैं, सोनी इज, सोनी के साथ इज भी सही है, सोनी हैज बिन ये भी सही है। अगर डूइंग देखें, इज के बाद भी आई एन जी आ सकता है और हैज बिन के बाद भी आई एन जी आ सकता है, हर वर्क यहाँ तक भी सही है। लेकिन अगर ये फॉर एन आवर, यहाँ पे तो समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉर एन आवर, सिंस और फॉर का प्रयोग आप लोगों ने सुना होगा। तो जैसे कि आपको प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाया गया है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही सिंस फॉर लगता है, सिंस या फॉर इज मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सीधी सी बात है भाई, इज के साथ तो आप क्या करेंगे, सिंस फॉर तो लगा नहीं सकते, तो ये नहीं कि पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। कौन सा गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, यानी इज का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जी हाँ, सिंस फॉर है और हैज बीन है तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे सीधे, नो डाउट, यहाँ पे कोई क्लियर मतलब दिक्कत ही नहीं है आपको समझने में, क्योंकि हैज बीन है तो ही सिंस फॉर आप लगा सकते हैं, सिंस फॉर है तो हैज बीन आना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, आई विल टीच यू, बहुत बढ़िया कहा है कि आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अच्छी बात है, पढ़ा दो भाई। इफ यू, देखिए ये कहता है कि आई विल टीच यू इफ यू कम या इफ यू विल कम। अगर देखें तो यू कम भी होता है,
यू वेलकम भी होता है, लेकिन एक बात आपको बताया गया होगा कंडीशनल सेंटेंस में। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस के वीडियोज नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके सामने इफ़ आए ना तो वो कंडीशन बनाएगा। और मैं आपको बता दूँ, इफ़ को ज़रा नोट करके रखिएगा, अगर इफ़ के एक तरफ विल है तो दूसरी तरफ क्या होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यानी इफ़ के दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। तो एक तरफ अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो सिंपल सी बात है, अब हमने देखा कि एक तरफ क्या है, फ्यूचर मतलब विल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो दूसरी तरफ फ्यूचर नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, सो काट दीजिए। सिंपल है, बहुत सटीक तरीके, मतलब आसान है। इफ़ नज़र आए ना तो एक चीज़ देखना कि इफ़ के दोनों बगल तो विल नहीं आ सकता ना, इफ़ के दोनों बगल आप फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात अगर पकड़ना चाहो विल सेल का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी इफ़ के एक तरफ विल सेल आता है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं हम लोग, सी गोज, सी गोज ये भी ठीक है, सी इज गोइंग ये भी ठीक है, टू चर्च ये भी ठीक है, सी इज गोइंग टू चर्च ये भी ठीक है, लेकिन अब पकड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से, एवरी संडे, प्रत्येक रविवार। तो देखो भैया, ये जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ़र्क क्या है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम बोलते हैं किसी भी काम को बताते हैं तो बताते समय वो काम चल नहीं रहा होता है, लेकिन वो भी अपने कंटिन्यूअस ही फॉर्म में होता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या होता है, कि जिस वक्त हम बोलते हैं उसी समय वो काम चल रहा होता है। जैसे देखो, हम कहते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो जाता है तो एक के दिन थोड़ी नहीं जाता है, डेली जाता है, लेकिन हमने जब बोला कि वह स्कूल जाता है तो उस वक्त नहीं जा रहा था, यानी जाने का उसका समय दूसरा था। लेकिन अगर हम कहें कि वह स्कूल जा रहा है तो देखो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट में फ़र्क आ जाता है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी वर्क कंटिन्यू होता है, काम जारी होता है, लेकिन जिस वक्त बोलते उस टाइम नहीं, दूसरा मतलब उसका टाइम अलग होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो जब बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे ही काम चल रहा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ही गोज, वो जाता है टू चर्च, चर्च जाता है एवरी संडे, प्रत्येक रविवार जाता है। अब ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि वह प्रत्येक रविवार को चर्च जा रहा है, ऐसे कहेंगे कदापि नहीं कह सकते। आप ऐसे ही कह सकते हैं कि वह प्रत्येक रविवार चर्च जाता है। तो जब जाता है तो पहला ही वाला सही हो जाता है और दूसरा वाला गलत हो जाता है। बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर भी हो रहा होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप चार नंबर तक समझ गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माई ग्रैंड मदर, यानी फिफ्थ नंबर वाला, ठीक है। माई ग्रैंड मदर टोल्ड, बताया, सुनाया, यानी सुनाना यहाँ पे होगा, सुनाया मी मतलब मुझे, अ स्टोरी मतलब एक कहानी, जस्ट नाउ अभी, ठीक अभी, हैज टोल्ड। अब देखो, माई ग्रैंड मदर को लिया जाए तो सिंगुलर है, टोल्ड भी सही हो जाएगा, सुनाया, हैज टोल्ड सुनाई है, दोनों ठीक है, मी मुझे सुनाई है, अ स्टोरी एक कहानी, यहाँ तक नहीं पकड़ पाएंगे आप। लेकिन आगे देखो, ये क्या है, जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ क्या होता है ना, ठीक अभी, आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारा काम तुरंत अभी समाप्त होता है वो किस में लिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिया जाता है। यानी जब हमारा काम अभी जल्दी ही में ही समाप्त हुआ हो तो वो किस में लिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिया जाएगा। अगर इतनी भी बातें याद ना हो ना आप किसी को, तो कोई बात नहीं, फ़र्क है यार, कोई नहीं याद है तो कोई, ये जस्ट नाउ देखना तो ये याद रखना, या तो हैज को ढूंढ के निकाल लेना या तो हैव को ढूंढ के निकाल लेना। तो ऐसे देखो, जस्ट नाउ अगर सेंटेंस में है तो आगे हैज आएगा या तो हैव आएगा, हैज आया हुआ है इसलिए ये सही है, और टोल्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट, हैज लेफ्ट एन आवर एगो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस, मतलब राजधानी एक्सप्रेस है, लेफ्ट मतलब चली गई, एन आवर एगो कितना समय पहले गई है, एक घंटे पहले गई है ना, गए हुए लगभग एक घंटे हो गए ना, तो इसलिए ये पास्ट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो जब ये सीधी सी बात नहीं कहते हैं कि ही वेंट वो गया,
मतलब वो गया तो उसी तरह तो है कि ट्रेन गई भैया, ट्रेन गई यानी राजधानी एक्सप्रेस गई, तो मतलब वो पास्ट में ही तो हो गया। जब पास्ट में हो गया तो फिर टेंशन किस बात का है, सीधे सीधे पहले वाले ऑप्शन को हम सही कर देते हैं और दूसरे वाले को गलत कर देते, ठीक है। यानी दूसरा वाला रॉन्ग हुआ और पहला वाला हमारा राइट हुआ। चलिए आपको समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल। चलो तो नो डाउट, अब नेक्स्ट हम लेते हैं अगला वाला, ठीक है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि ही विल, अरे भैया ही के साथ विल भी ठीक है और ही के साथ वुड भी ठीक है, अब रिजाइन भी ठीक है क्योंकि ये भी वर्ब का पहला ही फॉर्म लेता है और ये भी वर्ब का पहला ही फॉर्म लेता है, और ही इस पोस्ट मतलब अपने पद को, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है ना कि ये फेल्ट क्या है ना, ऑलरेडी आपका वी टू है, ठीक है। अगर जब वी टू एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ कैसे वी वन का प्रयोग करेंगे, उधर भी वी टू आएगा। सिंपल ये रूल है कि अगर मान लो दैट से कोई चीज़ जुड़ रहा है, एक तरफ अगर वी टू है तो दूसरी तरफ भी वी टू आएगा। तो विल का पास्ट क्या होता है, यानी वी टू मतलब पास्ट हुआ, तो विल का पास्ट क्या हुआ, उड होता है। तो सिंपल सी बात है कि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट कर लीजिए और इसको सही कर लीजिए और इसको गलत कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। ही फेल्ट दैट ही वुड रिजाइन हिज पोस्ट, कि उसे अपने पद को त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप 7 नंबर तक के एरर को, यानी जो एक राइट ऑप्शन था, आपने पहचान लिया होगा बहुत आसानी से और अंतर भी कर पा रहे हैं कि क्यों कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ठीक है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8। 8 पे अगर देखा जाए तो इट है, इट इज के बाद भी रेनिंग हो सकता है और इट के बाद मतलब हैज बिन के बाद भी रेनिंग हो सकता है ना। लेकिन आगे देखो, ऑल डे पूरे दिन भर, अरे भाई हम ये कह रहे कि पूरे दिन भर वर्षा होती रही है। अब आपको पता है कि ऐसे बताया जाता है कि जब कोई काम पहले से चल रहा हो और अभी भी चल रहा हो, यानी जब कोई काम कुछ समय तक हुआ हो और अभी भी आगे बढ़ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी तो अभी होगा ना कि कंटिन्यू फॉर्म में हो, कि वर्षा हो रही है, ऐसा इसका अर्थ तो निकलेगा नहीं कि वर्षा हो रही है, पूरे दिन वर्षा होती रही है ऐसे कह देंगे कि पूरे दिन वर्षा होती रही है। भैया होती रही है मतलब समय उसका ड्यूरेशन मिल गया, और जिसमें ड्यूरेशन मिल जाता है और जिसमें टाइम मिल जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये सीधी सी बात है कि हैज बीन आना फिक्स है, यानी ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 9 नंबर लेते हैं। तो 9 नंबर में क्या है ये देखते हैं। देखिए अब यहाँ से नोट करिए, ही हैड, ही के साथ हैड भी ठीक है और ही विजिटेड ये भी ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ही हैड विजिटेड और ही विजिटेड तो दोनों ही ठीक नज़र आएगा, लेकिन आप यहाँ से पकड़िए अस ये भी ठीक है, लेकिन अगर लास्ट वीक की बात करें तो पिछले सप्ताह, आप जब भी बात आएगी पिछले सप्ताह तो अभी पिछले ही सप्ताह है, रिसेंट पास्ट है, और अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिया जाएगा, क्योंकि हैड पास्ट अगर हैड की बात करें तो वो लॉन्ग पास्ट को शो करता है। तो इस बिहाफ पे या इस तरह से इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये अभी रिसेंट पास्ट की बात है, ही विजिटेड अस लास्ट वीक, पिछले ही वीक आया था, ये अगर हेड लगाएंगे तो पिछले साल कहना पड़ जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। तो यानी ये वाला गलत है और ये वाला सही है, यानी फिर से याद रखिए ही विजिटेड ही सही होगा क्योंकि पीछे लास्ट वीक है। अब जब भी बात आए ना लास्ट हावर हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, तो ऐसे में आप क्या लाएंगे, आप लाएंगे विजिटेड। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या आता है। दे फेल्ड, दे हैव फेल्ड, यहाँ से देखेंगे तो दोनों ही सही है, क्योंकि दे के साथ फेल्ड भी ठीक है और दे के साथ हैव फेल्ड भी ठीक है। लेकिन जैसे ही आएगा लास्ट ईयर, आपको याद रखना है कि लास्ट जो होता है वो पास्ट का पास्ट सॉल्विंग वर्ड है। पास्ट सॉल्विंग वर्ड का मतलब कि वो पास्ट को दिखाता है, किसको दिखाता है, पास्ट को दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये पास्ट को दिखा रहा है तो ये तो प्रेजेंट में आएगा ना, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो भैया प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, सीधे सीधे क्या कर देंगे, पास्ट वाले को ले लेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, दे फेल्ड लास्ट ईयर, यानी आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कि लास्ट ही वर्ड हमारा पास्ट सोविंग वर्ड होता है, क्योंकि वो पास्ट को बताता है।
तो इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात तो कर ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लेने की बात करें तो आई के साथ एम भी ठीक है और आई के साथ हैव बीन भी ठीक है, ठीक है, और लिविंग भी ठीक है। यहाँ तक तो बढ़िया, हियर तक भी बढ़िया है कि आई एम लिविंग हियर या आई हैव बीन लिविंग हियर, दोनों ही सही है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे मिला फॉर, और ये मुझे अच्छे से याद है कि सिंस और फॉर का प्रयोग सिर्फ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें हैव बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है। तो इस बिहाफ पे यानी याद रखिए, फार है तो आगे हैज बीन, हैव बीन ढूंढ लीजिए, क्योंकि एम तो आ ही नहीं सकता, तो सिंपल सी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि हैज बीन के आगे समय के लिए हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं, और फार का कॉम्बिनेशन मत भूलिए, हैज बीन और हैव बीन के बाद सिंस और फार का कॉम्बिनेशन होता है, एम एज एम आर के बाद तो होता ही नहीं है। इस बिहाफ पे हमने इसको सही कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 12। 12 नंबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है, कि वी डिड नॉट राइट, ये भी ठीक है, और वी हैव नॉट रिटन, ये भी ठीक है। यहाँ तक अगर द लेटर, ठीक है, वी डिड नॉट राइट द लेटर, यहाँ तक तो ठीक है, वी हैव नॉट रिटन द लेटर, ये भी ठीक है। लेकिन जैसे ही ये आपको आएगा एट को याद रखिएगा, एट इज द प्रेजेंट सोविंग वर्ड। प्रेजेंट सोविंग वर्ड का मतलब कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज हो सकता है। किसमें यूज हो सकता है? ओनली वन इन प्रेजेंट टेंस। किसमें यूज होगा? प्रेजेंट। तो आप यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट में यूज होगा ना एट, तो सीधी सी बात है डिड आपका कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो हैव तो हो सकता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो ये आपका सही है, वी हैव नॉट रिटन द लेटर इट। ये कहना चाहता है कि हम अभी पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो प्रेजेंट में ही तो बोलेगा, तो इसलिए इस बिहाफ पे ये भी ठीक है। तो कम्बिनेशन याद रखिए, अगर इट है तो आपके सेंटेंस में हैज या हैव आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, कोलम्बस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। अब ये है कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, दोनों ही है। आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने बहुत पहले समय डिस्कवर्ड किया हुआ था, तो हम वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा सेंटेंस बोला जाता कैसे उस पर डिपेंड करता है, उन्होंने कब किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सेंटेंस यही किया जाता ना कि यही तो कहेंगे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, यही बोलते हैं ना, किया था ऐसा बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप बी ऑप्शन को ही सही करेंगे, क्योंकि ऐसे नॉर्मली हमारा सेंटेंस बोला जाता है, इसलिए आपका ये बी आएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें और भी आगे एक सेंटेंस लेने की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, वी हैव फिनिश्ड, ये भी ठीक है, वी फिनिश्ड, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों ही अपने अपने जगह सही है। अब यहाँ देखिए, आवर ब्रेकफास्ट, यानी वी हैव फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट, हम अपना जो नाश्ता है वो समाप्त कर लिए, वी फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट, हमने अपना नाश्ता समाप्त कर दिया। एंड आवर एगो, भैया एक घंटे पहले, और जब एक घंटे पहले की बात कर रहा हो तो बीता हुआ पास्ट हो गया, सिंपल सी बात है, जब एक घंटे पहले काम हुआ तो पास्ट हुआ, और पास्ट हुआ तो ये फिनिश्ड ही सही होगा, क्योंकि हैव तो प्रेजेंट का हो जाएगा, ये गलत, तो ये हो जाएगा वी फिनिश्ड अवर ब्रेकफास्ट एंड आवर एगो, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, बेस्ट वन है, देखिएगा, ही जम्प्ड, उसने कूदा, मतलब कूद गया ऑफ दी बस, कहाँ से कूद गया? बस से कूद गया, ठीक है। वेन, जब, इट मूव, जब बस चली, इट वॉज मूविंग, जब बस चल रही थी। तो भैया ये देखो, यहाँ पे मैं कम्बिनेशन आपको बताता हूँ, अगर इस तरीके से है ना वेन, ठीक है, और इधर ये वी टू है, तो सीधे सीधे इधर वाज आएगा, क्योंकि ऐसे ही बोला जाएगा कि वह बस से कूद गया जब बस चल रही थी, चली नहीं, चल रही थी, तो इसलिए यहाँ पे देखा जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इसे बहुत बढ़िया से फाइंड आउट करना सीख गए होंगे कि राइट ऑप्शन क्या निकालना है और रॉन्ग ऑप्शन क्या निकालना है। तो वेयर देयर इज कन्फ्यूजन यू विल हैव गेट
सोल्यूशन आप पा ही गए होंगे इसमें जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन था, क्योंकि अक्सर ये दो चीज़ों में कंट्रास्ट बन जाता है कि हम कौन सा यूज करें कौन सा यूज न करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 ऐसे कन्फ्यूजन वाले जो फॉर्म ऑफ वर्ब थे वो क्लियर हो गए और आप यूज करना समझ गए होंगे। तो आप बने रहिए। हाय फ्रेंड, जस्ट अभी हम लोग जैसे कि कर रहे थे वर्ब, करेक्ट वर्ब का फॉर्म पहचान रहे थे, तो 15 सेंटेंस में पहचाना है। और उसी 15 सेंटेंस के आगे अब चल के हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें वर्ब के करेक्ट यूज यानी करेक्ट फॉर्म को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से पहचानते हैं। जैसे कि दो अक्सर दो ऑप्शन में कंट्रास्ट बन जाता है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन जैसे मिल रहे थे 15 क्वेश्चन में जो आपको मिले हैं, वही चीज़ आगे बढ़ाना है। तो 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। 16 नंबर पे अगर हम बात करें तो एक हमारे पास सेंटेंस है जैसे कि लिखा है यहाँ पे, ही हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे भी बोल रहा है कि आई हैड कम, तो आई के साथ हैड भी फिट बैठता है और आई के साथ केम भी फिट बैठता है। टू सी हिम, ये देखा जाए तो सबका सब ठीक दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, जब भी आपके सेंटेंस में व्हेन आ जाए ना, क्या है व्हेन, तो एक बात याद रखिएगा कि व्हेन के अगर एक साइड में हैड, यानी व्हेन के एक साइड में हैड प्लस थर्ड है, तो दूसरे वाले पक्ष में, यानी व्हेन के अगर एक साइड में हैड प्लस थर्ड आ जाए ना, तो दूसरे वाले साइड में वर्ब का वी टू चाहिए, यानी कौन सा फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। रीजन होता है कि व्हेन से जब हमारा दो सेंटेंस जुड़ता है तो एक जो होता है कि पास्ट परफेक्ट में जोड़ लिया जाता है और दूसरा वाला जो होता है ना पास्ट इंडेफिनिट में जोड़ा जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में देखो, यहाँ पे व्हेन मिल गया ना, तो व्हेन के आगे मैंने देखा कि हैड प्लस थर्ड तो मिल गया, तो हैड प्लस थर्ड मिल गया तो अगला मुझे क्या चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए था। तो पास्ट इंडेफिनिट तभी होगा जब सब्जेक्ट के बाद हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, वी टू वाला लेंगे, यानी केम हमारा वी टू है। अगर हैड कर देंगे तो फिर से थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो बराबर का तो हो ही नहीं सकता, यानी इसलिए वेन के बाद क्या आ जाएगा, केम सही है। बिल्कुल ऑप्शन क्लियर हो गया ना, बहुत आसान है, अर्थ आए ना आए ना, मीनिंग आए ना आए सेंटेंस की, लेकिन आप उसे कर जाओगे, बस ऑप्शन याद रखना, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में अगर बात करें कि ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई सेल कम। अरे भैया आई के साथ सेल भी ठीक है, आई के साथ कम भी ठीक है, बट किस बात का गम है, यहाँ पे तो बहुत ही ऑप्शन सटीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, बिफोर, तो ये तो फिक्स है कि अगर बिफोर से जुड़ा है तो अगर एक तरफ विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट है, तो आपको पता है कि एक साइड में अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा ना, तो दूसरी वाली साइड में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो आप देखो, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होने की वजह से ये बताता है कि मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस हूँ। कौन सा टेंस है भैया? फ्यूचर परफेक्ट है, और बिफोर से जुड़ा है। बिफोर से जब जुड़ा हो और एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट हो ना, तो दूसरी तरफ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, जो मिल गया हमें यही सही है। कम सेल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट एक तरफ और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। तो इसी वे से हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के जब देखेंगे ना नंबर, बात करेंगे नंबर 18 वाले की बात करेंगे, 18 नंबर वाले की। तो आई डिड नॉट सी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, दोनों ठीक है। आई डिड नॉट सी बोलो, आई हैव नॉट सीन बोलो, दोनों ही ठीक है, हिम उसे। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ, सिंस क्या जुड़ गया, सिंस बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर ये सिंस दिख जाए ना, तो समझ जाओ कि सिंस का एक कम्बिनेशन चलता है। सिंस के एक साइड में ना प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो दूसरी साइड में ना पास्ट इंडेफिनिट आता है। ये भी एक कम्बिनेशन है, किसके साथ, सिंस के साथ। सिंस के दोनों ही साइड पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, सिंस के एक साइड में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आता है और दूसरे साइड में पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो ये कम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो जैसा कि देखिए, अगर मैं बात करूं सिंस का, एक तरफ चलो पास्ट इंडेफिनिट तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखो वी टू है, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ कि सिंस के एक पक्ष में, मतलब सिंस के दोनों पक्ष में इंडेफिनिट नहीं आ सकता, यानी पास्ट इंडेफिनिट नहीं आ सकता। सिंस के एक साइड में प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो सिंस के दूसरे वाले साइड में ना
पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो देखो अगर ये वी टू है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो भैया इस वाले साइड में तो प्रेजेंट परफेक्ट ही चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट होने के लिए है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि आपको यहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन यही सही है, ये वाला कभी नहीं सही हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही है। चलिए बिना देर के वे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके एक और सेंटेंस लेते हैं, नंबर 19 वाला, यानी 19 वाला लेते हैं, ठीक है। When we went to the cinema, ये कहता है कि when we went to the cinema, जब हम सिनेमा गए, the film, कहाँ गए, the film, तो देखिए यानी कि ये कह रहा है फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। भैया देखो फिर से क्या मिला आपको, when, when मिल गया ना, तो when के बगल में क्या है, एक तरफ V2 है, ठीक है, तो दोनों तरफ तो V2 नहीं आ सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे सिंस हो चाहे वैन हो, जब भी पास्ट की दो घटनाएं, क्या पास्ट की दो घटनाएं अगर वैन से बताना हो, इफ से बताना हो, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकते। एक पास्ट इंडेफिनिट तो एक पास्ट परफेक्ट में होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट में होगा जब भी कभी पास्ट की दो घटनाएं बतानी हो। तो देखो ये कहता है कि व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा, जब हम सिनेमा गए, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो अगला वाला आपको पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो जो यहाँ आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो ये वी टू है, अगर इसको लेंगे तो ये भी इंडेफिनिट हो जाएगा, तो दोनों इंडेफिनिट नहीं हो सकता, एक इंडेफिनिट तो एक पास्ट परफेक्ट, जिसके हिसाब से ये बी वाला सही होगा और ये वाला बिल्कुल क्या होगा, गलत। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अब यहाँ पे देखिए, बाय दिस टाइम टुमारो ही विल रीच, अरे देखो ही विल रीच ये भी ठीक है, ही विल हैव रीच्ड ये भी ठीक है, होम कहाँ पे, घर, दोनों ही सही है, लेकिन ये बताता है क्या, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम मतलब इस समय, टुमारो कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, अब ये बाय दिस टाइम होगा ना, वो कार्य के परफेक्शन को शो करता है, तो ही विल रीच पहुँचेगा नहीं, पहुँच चुका होगा, ऐसा बोलना पड़ेगा, तो इस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बाय दिस टाइम है, ये समझ जाइए कि अगला वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो बाय, फिर से याद रखिए, बाय दिस टाइम का प्रयोग अगर होता है तो अगले वाले सेंटेंस में हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही हो सकता है, जिसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, बाय दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय तक, कल, ही विल हैव रीच्ड वो पहुँच चुका होगा होम, घर पे, यही तो आप कहेंगे, अरे भैया इस समय तक वह कल घर पहुँचेगा नहीं, पहुँच चुका होगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। चलो ऑप्शन सही हो गया बी, और ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका ए। तो नेक्स्ट लेते हैं 21, 21 में अगर बात करें, हियर आर योर शूज, भैया हियर आर योर शूज, यहाँ तुम्हारे जूते हैं, आई जस्ट क्लीन्ड। अब देखो मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा आगे आया था कि जस्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है, किससे होता है, जस्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है, जस्ट का भी और एट का भी कनेक्शन किससे होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो अगर ये देखो, अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा वी टू, और वी टू होता है पास्ट का, लेकिन अगर हम बात करें हैव का, ये किससे होता है, प्रेजेंट का, तो सिंपल सी बात है, जस्ट है और तो प्रेजेंट का ही तो शो करेगा, तो जब प्रेजेंट शो करेगा तो सीधे सीधे लिख लेंगे, किससे ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा हैव जस्ट क्लीन, यानी हियर, ये सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में ही तो है, तो हियर आर योर शूज, आई हैव जस्ट क्लीन्ड देम, यहाँ आपके जूते हैं जिन्हें मैंने अभी अभी साफ किया है, यही तो कह रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन, बेस्ट वन, एकदम सही वन, तो देखेंगे 22 में लिखा हुआ है कि 5 years have passed since his mother had died or died। अभी भी मैंने आपको बताया था, जस्ट नंबर अगर हम बात करें कौन से की बात करने वाले हैं, तो चलो यहाँ पे कहाँ एक आया था सिंस, ठीक है, ये देखो, यानी 18 नंबर में चेक करो, 18 नंबर में अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि एक तरफ आना चाहिए V2, तो दूसरी तरफ आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, वही सिस्टम यहाँ देख लो, हैव पास्ट है ना, तो हैव पास्ट किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब एक तरफ तो ये किससे जुड़ा है, सिंस से, अब ये जुड़ किससे रहा है,
ये जुड़ रहा है आपका सिंस से। अब सिंस से जुड़ा है तो ये बात तो क्लियर है कि एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, वी टू। तो हमारे पास देखिए ये सीधे सीधे वी टू मिल गया, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीद है दोस्तों कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म को सही कर सकते हैं, सही करने के तरीके क्या हैं। क्योंकि पढ़ने से देखने में देख करके तो ऐसा लगता है कि भाई दोनों ही सही है, लेकिन कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपको मिल गए हैं जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा वर्ब फॉर्म हमारा सही है। तो जी दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।